करते हैं ज़रा सियासी नाश्ता के पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। यूं तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनका सियासत का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसमें भी सियासत आ जाती है, या यूं कहिए कि उसमें सियासत को घसीट लिया जाता है। हम लाहौर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके लाहौर में नून लीग की ताकत का निशान समझे जाने वाले खोखर पैलेस की दीवारें गिरा दी है। सैफ मलूक खोखर इसे सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक 9 नक्शे टाउन से और 4 नक्शे LDA से पास करवाए थे। हमारे रिपोर्टर अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और इस पर बड़ा एहतजाज भी और बड़ी बयानबाजी भी हमने नून लीग की जानिब से सुनी थी। अब्बास, जौहर टाउन में कितनी सरकारी जमीन वागुजार हुई है और अभी कितनी बाकी है? LDA इस हवाले से क्या मौकफ रख रहा है? जी महक, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं, आपको ये मेरे कैमरामैन जो है अज़र इकबाल मेरे पीछे ये दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है जिस जगह पे LDA ज़िले इंतज़ामिया ने जो है ऑपरेशन किया था। आज भी ये मलबा जो है यहां पर मौजूद है और सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी लिखकर लगाई गई हैं कि ये सूबाई गवर्नमेंट का जो है रकबा है। अब जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो LDA है, उसका ये दावा है कि ये 38 कनाल अराजी बनती है और इसकी जो मालियत है उसको कहा गया कि 125 अरब रुपए इसकी मालियत है। इसके हवाले से इससे पहले भी जो है एक मरतबा जो है LDA और ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने यहाँ ऑपरेशन नहीं करने दिया गया था, जिसके बाद टीमें यहाँ से वापस रवाना हो गई थी। चंद रोज़ कबल जो है दोबारा ज़िले इंतज़ामिया और LDA यहाँ पर आई, उन्होंने ये जगह वागजार करवाई। 38 कनाल अराजी कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे एरिया का जायज़ा लें तो ये 38 कनाल अराजी जो है नहीं बनती, उससे काफ़ी ज़्यादा कम ये अराजी बनती है। तो हुकूमत से ये भी सवाल करना चाहिए कि आप बार बार ये दावे कर रहे हैं कि ये 38 कनाल अराजी है, तो ये तो तकरीबन 10 या 12 कनाल अराजी बनती है, तो बाकी अराजी किस जगह पर है जो खोखर पहले से वागजार करवाई गई है? उसके अलावा इसकी जो मालियत कहते हैं वो 125 अरब रुपए मालियत बनती है, क्योंकि लाहौर का मेन पोश इलाका है जौहर टाउन और उसके अंदर जो है ये खोखर पैलेस जो है ये पाया जाता है और इसकी बैरूनी साइड जो है वहाँ पर ये मार्केट जो है उसको गिराया गया था। अंदर खोखर पैलेस उसी तरह से तामीर है, जबकि जो सैफ खोखर है, अफजल खोखर है, उनका ये दावा है कि उन्होंने तमाम अपने NOC पास करवाए ज़िला इंतज़ामिया से, LDA से, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। अब देखना यह है कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि मजीद ऑपरेशन भी किए जाएंगे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उसमें मजीद कितनी कामयाबी उनको हासिल होती है? लेकिन ये बता दीजिएगा, जब आप बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है, तो जब ये इंतजामिया ऑपरेशन करने आई तो इन्होंने वो क्यों नहीं दिखाया, कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं दिखाया? जी जैसा कि जब हमारी सैफ खोखर और अफजल खोखर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने तमाम डॉक्यूमेंट ज़िले इंतज़ामिया को भी दिखाए, LDA को भी दिखाए, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम बार बार अदालत जा चुके हैं और अदालत ने हमें क्लीन चिट दी हुई है, हमारे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो, उनके पास ऑप्शन क्या है अब्बास? अब वो क्या कर सकते हैं जब वो कहते हैं कि हमारे पास क्लीन चिट है, जब वो कहते हैं कि अदालत हमें क्लियर कर चुके हैं, तो फिर अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने दोबारा अदालत का रास्ता इख्तियार किया है, दोबारा अदालत में गए हैं, वो अदालत के पास जाके कह रहे हैं कि तौहीन अदालत बनती है, तमाम चीजें हमारी क्लियर थी तो दोबारा हमारे पे ऑपरेशन क्यों किया गया है? लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो स्टैंड कर रही है, वो ये कह रही है कि ये कब्जा था मुकम्मल तौर पर, तमाम जगहों पर कब्जा किया गया था जो वागजार करवाई गई है, और ये करोड़ नहीं 125 अरब रुपए की जमीन ये बनती है मेन जौहर टाउन के अंदर। अब देखना यह है कि जब ये दोबारा अदालत में गए हैं और दोबारा वहां केस शुरू होगा, वहां चलेगा, तो अदालत क्या तौहीन अदालत लगाती है या खोखर बरादरान को जो है गिल्टी करार देती है? ठीक है, ये तो आने वाले वक्त के अंदर फैसला होगा कि ये किसके हक में जाता है। बिल्कुल, हमने देखा कि इसके ऊपर नून लीग बहुत ज्यादा भड़ रचती हुई हमें नजर आई है। बेहद शुक्रिया आपका, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, कहिएगा, एक वो मामला जिसपे अदालत क्लीन चिट देगी है, उसके बाद LDA की कार्रवाई और फिर उसके ऊपर वजीर आला पंजाब का ट्वीट और फिर उस पर नून लीग की बयानबाजी, सियासी माहौल क्या बनने की कोशिश करवा रहे हैं वहाँ पे? एक चीज़ अदालत की तरफ से क्लीन चिट है, फिर उसके ऊपर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो यकीनन ओपोजिशन की बयानबाजी तो बनती है। जब ओपोजिशन बयानबाजी करती है तो फिर हुकूमती तर्जुमान या जो हुकूमती सीटों पर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जब हम कार्रवाइयाँ करते हैं तो ये अपने सच को और अपनी चोरी को छुपाने के लिए ऐसे बयानबाजियों से काम लेते हैं। मुझे इससे इख्तलाफ है कि अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दी है। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास,
कुछ मामूली बात नहीं है। उन्होंने ये मामला देखा और उन्होंने कहा कि अब आप सिविल कोर्ट में दोनों फरीक जाएं, मजीद जो है कार्रवाई रोक दी उन्होंने। तो अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई होती तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बहुत बड़ा होता है, वो इस पर एक्शन ज़रूर लेते। और मामला ये है कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार थे तो भी उन्होंने कहा था कि ये कैसे हो गया कि मुख्तलिफ मौज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया और ये तकरीबन 177 कनाल रकबा बनता है और इसमें जो सड़क बनी हुई है इस रकबे के अंदर वो भी MNA फंड से बनी हुई है। तो मामला तो गड़बड़ है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता सिविल कोर्ट ने कोई कहते हैं कि स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन स्टे ऑर्डर भी उस इलाके के लिए है जिसके ऊपर इनका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी बहुत सा रकबा जो है वो उसको अपने अंदर शामिल किया हुआ था। तो इसलिए, और इससे पहले भी जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो बहुत सी दुकानें जौहर टाउन में गिराई गई थी जिन पे जो इन्होंने ही इसी फैमिली ने नाजायज़ तौर पे बनाई थी। तो ये एक बहुत मशहूर फैमिली है और इनका ज़मीनों के हवाले से काफ़ी इनकी शोहरत है, अच्छी या बुरी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नून लीग के अक्सर व बेशतर लीडर जो हैं वो ज़मीनों के कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने सुना होगा कि ख्वाजा आसिफ ने भी एक कब्रिस्तान और पार्क पे बिल्डिंगें बनाई थी जिन पे जिन्हें गिरा दिया गया है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। आदिल साहब, कथा कलामी की माजरत, इसी पर कंटिन्यू करेंगे आपसे गुफ्तगू, लेकिन इस